धनबाद जिला सोनौत संथाल समाज ने आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर रांची के विधायक और पूर्व स्पीकर सीपी सिंह का पुतला जलाकर विरोध किया। सोनौत संथाल समाज के केंद्रीय समिति के सचिव अनिल कुमार टुड्डू ने बताया कि सीपी सिंह ने संथाली भाषा उलचिकी लिपि का अनादर करने का काम किया है। सीपी सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि यह कौन सी भाषा है। झारखंड के राजधानी रांची के विधायक सीपी सिंह का हम लोग पुतला जलाए और पुतला जलाने का कारण यही था कि संथाली भाषा का उन्होंने अपमान करने का काम किया था। उन्होंने एक फोटो दिखा के बताया था कि ये भाषा हमको मालूम नहीं है, तो उनको हम बताना चाहते हैं ये झारखंड का एकमात्र भाषा है। संथाली भाषा झारखंड का एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जो भारत के बीसीसीएल एरिया 05 के मोदीडी कोलियरी में श्रमिक संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। पप्पू सहाय ने कहा कि तेतुल मोड़ी कोल डंप चालू हुए 6 माह हो चुके हैं और अभी तक 92,000 टन कोयला का उठाव भी हो चुका है, जिसकी राशि 260 रुपये टन के हिसाब से 2,40,00,000 रुपये होती है। मजदूरों को सिर्फ त्यौहार पर पैसे मिले हैं, मजदूरों को उचित पैसा नहीं मिला है। धरना का मकसद है कि यहाँ पर जो डंप चालू हुआ है तेतुलमुड़ी कोल डंप, और ये डंप को चालू हुए लगभग 6 माह हो चुका है और इस 6 माह में देखा गया कि लगभग 92,000 टन का कोयला उठाव यहाँ से हो गया। उस 92,000 कोयला टन के उठाव के एवेज में लगभग 2,40,00,000 राशि होता है, 260 रुपये प्रति टन के हिसाब से मजदूरों का भुगतान। लेकिन हमने देखा कि लगभग त्यौहार में ही पैसा मजदूर को दिया जा रहा है, आपका दशहरा पर, मकर में और आपका होली में। इसमें देखा गया कि कुछ मजदूर को एक बार, किसी को दो बार, किसी को तीन बार, किसी को एक बार भी नहीं, यानी कि पूरी तरह से ये अनियमितता है। अगर ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहे तो यहाँ के मजदूर तो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे, किन्हीं को मिलेगा किन्हीं को नहीं मिलेगा। तो कुलेरी श्रमिक संघ बैनर तले ये जो संगठन तैयार हुआ है, ये मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है और ये धरना के बाद अगर अभी भी अगर इस तरह से न्याय नहीं मिलता है मजदूर को, तो आने वाले अप्रैल माह में हमारा कुलेरी श्रमिक संघ के बैनर तले इस डैम को हम लोग बंद करने का। खुशहाल बचपन अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु पाकुड़ में 51 आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविका और महिला पर्यवेक्षिका को डाइट भवन सभागार में प्रशिक्षण मिला है। प्रशिक्षण का संचालन पिरामल फाउंडेशन के सुदीप्त हाजरा ने किया। कार्यक्रम में उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में अनौपचारिक शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु ये पहल किया जा रहा है। बेहतर बनाने के लिए जिले में पहले 51 आंगनबाड़ी केंद्रों का हम लोगों ने चयन किया है, तो इस अगले जो सेशन अभी अप्रैल से प्रारंभ होने वाला है, तो वहाँ पे स्कूल पूर्व शिक्षा को हम लोग और सुदृढ़ करना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज सिलेबस के अनुसार हम लोग एजुकेशन दे सके, साथ ही साथ उनकी जो बाकी एक्टिविटीज़ है उसमें उनको और बेहतर कर सके, उनका अच्छे से शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट हो सके, इन सभी पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के उन सभी 51 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं का आज यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ कई एक जो बहुमूल्य सुझाव है वो भी हम लोग को सेविका की तरफ से प्राप्त हुए हैं, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे कि किस तरह से जो गैप्स रह जाते हैं, जिसके कारण हम लोग अभी बच्चों को जो एक बेहतर डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को पूरा करने पे हम लोग आगे इस खुशहाल बचपन जो हम लोग का प्रोजेक्ट है उसके माध्यम। वेलकम टू चाचा मामा दंगल, हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और उल्टस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।